विपणन हंगाम दोन हजार तेवीस चोवीस साठी सर्व रब्बी पिकांची एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमतीत किंवा हमीभावात वाढ करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नवी दिल्लीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर वार्ताहरांना याबाबत माहिती दिली एमएसपीबाबत आज निर्णय घेण्यात आलेल्या सहा रब्बी गहू बार्ली हरभरा मसूर मोहरी आणि करडई यांचा समावेश आहे मसुरासाठी सर्वाधिक म्हणजे प्रति क्विंटल पाचशे रुपये वाढ करण्यात आली असून यामुळे एम एस पी सहा हजारांवर पोहोचणार आहे मोहरीमध्ये प्रति क्विंटल चारशे रुपयांची करडईमध्ये प्रति क्विंटल दोनशे नऊ रुपयांची गव्हासाठीच्या एमएसपीमध्ये क्विंटल एकशे दहा रुपये हरभऱ्यासाठी क्विंटल एकशे पाच रुपये तर बार्लीसाठी प्रति क्विंटल शंभर रुपये वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे गेहू मै वृद्धी रुपया की गई है जौ में सौ रुपया वृद्धि की गई है चना में एक सौ पांच रुपया एमएसपी की वृद्धि की गई है आपको ऐसे बताता हूं गेहूं में एक सौ दस रुपया वृद्धि की गई है दो सौ पंद्रह रुपये से बढ़ाकर इसको इक्कीस सौ पच्चीस रुपये किया गया है जौ को एक सौ रुपया बढ़ोतरी की गई जो सोलह सौ पैंतीस से बढ़कर सत्रह सौ पैंतीस किया गया है चना में 105 सौ रुपए की वृद्धि हुई जो 5,230 से बढ़कर 5,335 रुपए तीन रुपया किया गया है मसूर में 500 सौ रुपये की वृद्धि की गई है जो 5,500 से बढ़ाकर 6,000 हजार रुपया किया गया है रेपसीड जो सरसों 400 सौ रुपये की वृद्धि की गई है 5,050 से बढ़ाकर 5,450 रुपया कर दिया गया और कुसुम में 209 सौ रुपये की वृद्धि की गई है जो 5441 से बढ़ाकर 5,650 रुपया किया गया है। 2014 दोन हजार चौदह ऐसी हरभर एम एस पी तीन हजार एक पंचहत्तर वरुण पांच हजार तीनशे पस्तीस पर्यत अनुराग सिंह ठाकुर एक हजार चार सौ पचास था जो सैतालीस प्रतिशत की वृद्धि करके इक्कीस सौ पच्चीस रुपया होता है इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1150 था जो इक्यावन प्रतिशत की वृद्धि करके आज 1735 है ग्राम की बात करूं तो इकतीस से बढ़कर 5335 हुआ है जो अठासी प्रतिशत की वृद्धि है अगर 2014 की तुलना करें तो और इकतीस रुपया सरसों की रैपसिट की बात करूं तो इकतीस से बढ़कर पांच हजार चार छिहत्तर प्रतिशत की वृद्धि 2014 के मुकाबले हैं और कुसुम की बात करें तो तीन से बढ़कर 5,650 जो लगभग पचासी प्रतिशत की वृद्धि है और मसूर की तीन हजार पचहत्तर से बढ़कर छह हजार हुआ है जो लगभग पचानवे प्रतिशत की वृद्धि है तो ये 2014 से भी अब तक की तुलना मैंने करके बता दी और पिछले साल से इस साल जो बढ़ोतरी की है वो भी मैंने आपके सामने रखा है आपको पूर्व की भांति जैसे गेहूं का प्रोक्योरमेंट तो एफ के द्वारा ही किया जाएगा जो राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है और नेफेड जो एस एफ है वो पल्सिस और ऑयल सीड्स का दलहन तिलहन की प्रोक्योरमेंट वो लोग करेंगे